असलम उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड बहुत अच्छे होंगे बहुत फिट होंगे एंड अपनी जिंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें हमारी फैमिली का नाम करना चाहिए मैं अक्सर ये बोलती हूँ अक्सर बोलती हूँ वो इसलिए बोलती हूँ कि शायद मे बी किसी को टच्ड हो जाएगा ना देन दे मतलब वो सोचेंगे कि हमें ऐसा क्या करना है कि हमें हमारी फैमिली का नाम करना चाहिए तो ये बात है नाम तो करना ही चाहिए पर ऐसा क्या करे कि नाम हो भी जाए एंड उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं हर बार बहुत सी ऐसी चीजें बताती हूँ जिससे आप एक अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकते हो तो मुझे बहुत से लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे कि फरहीन आपने क्या किया है फरहीन आपने ऐसा क्या किया है आप कितना पढ़े हो आप कहाँ रहते हो आपकी एज क्या है एवरी थिंग मुझे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इस वीडियो में मैं ये सभी बताने वाली हूँ एंड ये भी बताने वाली हूं कि मैंने छोटी सी उम्र में कितना कुछ कमाना स्टार्ट किया था और वो कैसे कमा रही थी मैं एंड एक टाइम था जब मैंने दिसंबर में वन लाख रुपीज का अर्निंग किया था तो वो कैसे किया ये ये वीडियो में बताने वाली हूँ येस येस थोड़ा गोल गुल हो गया आई एम सॉरी फॉर देट तो ये सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर देना दिल खोल के एंड तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं आ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है by economics, आ, मतलब, sorry, with economics, बाई इकॉनॉमिक्स मतलब सॉरी विथ इकोनॉमिक्स बाय बोल दिया देखा ऐसा सब होता है कभी कभी क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड नहीं बोलती मैं अपने मुँह से सब कुछ बोलती हूँ दर 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 इसीलिए एक बाई चांस कभी कभी कुछ भी मुँह से निकलता है बट वो क्या होता है एडजस्ट करते आना चाहिए वो क्या होता है हमें ऑडियंस को आ, मतलब कैच करते आना चाहिए वो बात मेरे में है, है ना क्या बोलते हो तो मैं पढ़ी कितना हूँ मेरा ग्रेजुएशन विथ इकोनॉमिक्स कंप्लीट है फर्स्ट क्लास के साथ वो भी uh, मुझे रिपोर्टर uh, बनना था मुझे एक एंकर बनना था बहुत कुछ करना था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के एग्ज़ाम भी थी एंड एंड बाय चांस मेरी मम्मी का जो सपना था बाय चांस तो नहीं था वो वो मेरी ही किस्मत थी कि मुझे एक बहुत अच्छा जॉब मिला था जहाँ पे मैं पढ़ा रही थी एलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को इकॉनॉमिक्स एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं खड़ी रहती थी पीपल आर सेइंग मैम एंड वो इज्जत बहुत बड़ी है वैसे भी बहुत से लोग इज्जत तो करते हैं मेरी आज भी बट वो बहुत अलग लेवल था मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास के साथ इकोनॉमिक्स के साथ कंप्लीट है सेकेंड थिंग बाय प्रोफेशनल आई एम अ मेहंदी आर्टिस्ट जो मेरे हाथ में मेहंदी देख रहे हो बाय प्रोफेशनल मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ एंड मैंने ओमान में लास्ट ईयर ईद में मेहंदी का काम भी किया है एंड yes यही मेहंदी ने मुझे 2021 में एक लाख रुपीस कमा के दिए ये मेहंदी मैंने जो जितनी शिद्दत से लोगों को मैं लगाती थी जितनी शिद्दत से जो मैं मेहनत करती थी वो रंग लाई थी लास्ट दो साल पहले 2021 में तो यस yes, मेहनत बहुत थी बट uh, uh, वो कहते हैं ना कि जज्बा जुनून और नाम करने का जब आप में हूँ ना कि नहीं मुझे करना है जुनून था तो मैं अपने लिए बहुत मेहनत करती थी अपने लिए तो करती थी साथ में फ़ैमिली के लिए करती थी क्योंकि घर पे ऐसा होता था, था कि मैं uh, मेरी बहुत वो होती थी कि फरहीन इतनी मेहनत करती है तो वो चीज़ अलग ही लेवल था तो यस मेरी डिज़ाइन आप देख ही सकते हो कि यस ये तो ऐसे नींद में लगाई थी कल रात को दो बजे वो भी नींद में तो बिना नींद के तो मैं कैसी मेहंदी लगा सकती हूँ पता है ओके सो यस बाय प्रोफेशनल मैं आर्टिस्ट भी हूँ एंड मेरी एज कितनी है बहुत लोग पूछते हैं कि मेरी एज कितनी है मेरी शादी हो गई है कि नहीं हो गई है मेरे बच्चे भी हैं या नहीं है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई सीरियसली बताऊँ तो मेरी शादी नहीं हुई है आई एम जस्ट ट्वेंटी फोर हाई यस लास्ट टाइम जो मैंने बताया था तो वो बात ये थी कि होने वाली थी बट uh, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं एंड यस वो चीज़ uh, होता है ना कि एक इंसान मिलता है लाइफ में बट वो सिखा के बहुत जाता है बट वो चला जाता है तो वैसा हुआ था तो यस होने वाली थी बट नहीं हुई है आई एम सिंगल स्टिल एंड यस मैं 24 की हूँ मेरी एज ट्वेंटी फोर है एंड uh, मैं कहाँ रहती हूँ मैं सूरत में रहती हूँ एंड uh, सूरत आपने देखा ये सूरत मतलब सूरत नहीं गुजरात के एक छोटे से शहर में सूरत डायमंड सिटी जहाँ से सीरियसली बताऊँ तो मतलब कोई भी भूखा तो नहीं रह सकता मैं ये बता सकती हूँ ये ऐसी सिटी है जैसी मुंबई है ही सूरत भी है लेकिन सूरत में थोड़ा आ, मतलब कंपटीशन ज़्यादा है ये बात है और हमारी सूरती इस खाने में बहुत माहिर है तो मेरे फादर की शॉप है चाइनीज की दो शॉप है हम बारह साल से इस लाइन में है मेरे फादर बारह साल से ही इस लाइन में है एंड यस yes, बहुत लोग हम सब मेहनत करते हैं उसमें ये भी है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुझे कभी भी शर्म नहीं आती है मुझे काम करने में वैसे भी कभी शर्म नहीं आती है कोई भी काम हो बर्तन भी धुलवा ले तो भी कोई वो नहीं है ये बात है तो वो बात है एक और भी बात कहूंगी कि अपने धंधे पे मतलब झाड़ू लगाना भी मतलब सुन्नत है ये ये करके चलोगे तो बहुत रोज़ी भी आई ये बात है ज़िंदगी में हमेशा याद रखे कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता जिस काम से आपको पैसे मिल रहे वो काम आपके लिए परफेक्ट है यस तो मुझे बहुत से लोग पूछने की फरहीन आप इन्फ्लुएंसर कैसे बन गए आप क्रिएटर कैसे बन गए आप इंस्टाग्राम पे मतलब इतने सब लोगों को कैसे पसंद आते हो और ये आपके वॉइस का कमाल है अलहमद वॉइस तो मेरा बहुत अच्छा है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतना प्यारा वॉइस दिया है अलहद तो मैं दूसरी एक बात बताऊंगी मैं क्यों इन्फ्लुएंसर कैसे बनी और क्यों बनी क्यों बनी इसका जवाब तो मेरा ये है कि आ, मुझे जस्ट अ नाम ये था कि मुझे नाम करना है एंड मुझे ऐसा नाम करना है कि लोगों को ऐसा हो कि ये फरहीन सफेदा है जिसको नहीं है जिसको आ, मतलब वो नहीं है कि मैं हूँ नहीं वैसे मुझे बहुत वैसे जैसे कि एक इंसान जैसे कि कोई कंपनी खोल रहा है कंपनी में मैनेजर है कंपनी में बड़ी पोस्ट पे तो उसको बता था मैं मैनेजर हूँ यहाँ का बट मुझे वैसा नहीं चाहिए था मुझे ये चाहिए था कि हाँ ये फरीन सफ़ेदा है इसको घमंड नहीं है यार ये इतनी बड़ी फिर मुझे ऐसा चाहिए था एंड मैं पहले से मेरी एक चैनल है फरहीन सफ़ेदा एफ आर एच आई एन फरहीन सफ़ेदा आप सर्च करना सफ़ेदा ज़ीरो सेवन तो मेरी चैनल है ही जो आप वीडियो देख रहे हो लेकिन मेरी एक और चैनल है फरहीन सफ़ेदा जहां पर मैंने तीन साल बहुत मेहनत की मैंने बच्चों को पढ़ाया बहुत मेहनत की एंड वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो भी बहुत अच्छे से हुआ बट वहां पे व्यूज़ भी इतने अभी नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं उस पर भी काम करेंगे लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है मैंने लाइफ बहुत नज़दीक से देखी है जहां से मैंने बहुत मेहनत की है तो यस मुझे बस ऐसा था कि लोग ऐसा कहे कि ये फरहीन है इसने बहुत से लोगों की हेल्प की है तो वो चैनल आप देखना मैंने उस पर बहुत बच्चों की हेल्प की है एंड बहुत बच्चों को आगे आगे लेके गई हूँ जब स्टडीज़ मेरी चल रही थी ये बात है तो मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है एंड बहुत जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे उनको आगे ले जाने का काम भी किया है एंड मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे अल्लाह ने उन लोगों में चुना है जो दूसरों की मतलब तकलीफ देख के या दूसरों की मतलब कुछ आ, कुछ भी ऐसा देख के मैं हेल्प बहुत करती हूँ मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि जो जो लड़कियां मुझसे मेहंदी सीखना चाहती है दे विल मतलब वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं तो मैं डेफिनेटली आप सबको मेहंदी सिखाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हूं कमेंट्स करना देखेंगे कमेंट्स ज्यादा हुए तो हम न, आप सबको मतलब मैं मेरी तरफ से कोई पैसे नहीं है यहाँ पे मैं बहुत खुशी होगी अगर आप सीखोगे मुझसे तो मैं सिखाना चाहूँगी मेहंदी और थोड़ा थोड़ा हम एक एक वीडियोस डालेंगे तो शायद आप सीख लो तो ये है मेरी छोटी सी जिंदगी मेरा छोटा सा घर है देखो मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूँ यस छोटा सा घर है लेकिन हमारा मेरा दिल बहुत बड़ा है अलहमद एंड इस बात से तो मैं अग्रीमेंट आप भी अग्री हो शायद कि मेरा दिल बहुत बड़ा है ये बात है तो बस ये है मेरी छोटी सी जिंदगी एंड uh, अभी थोड़ी मेहनत कर रही हूँ इसके ऊपर फैमिली uh, को और कुछ देना है एंड मुझे उमरा पढ़ना है तो यस yes, uh, uh, उसके लिए थोड़ी मेहनत जा रही है बस आपकी दुआओं की थोड़ी सी कमी है तो मेरे लिए ज़रूर से दुआएं करना एंड ये है मेरी पर्सनल लाइफ एनीथिंग कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो नहीं वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा एंड अगर कोई टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो यू कैन आस्क आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में शुक्रिया थैंक यू सो मच इतना ज्यादा पसंद करने के लिए मुझे आप सभी को मेरी अपनी पर्सनल बातें शेयर करके बहुत खुशी होती है अलहमद लाला हाफ याद रखिएगा